Hello everyone, this is Vipin here. I am again came back with my new video on our channel Education Hike. And in this particular video, I am going to explain the chapter 1st of class 7 Geography Environment. So let's start the video. देखिए जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे ही दिया कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो चैप्टर 1st है ज्योग्राफी का एनवायरनमेंट उसे कवर करेंगे, तो आइए इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ईगो सिस्टम क्या होता है, ठीक है, हर चीज़ आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अब देखिए एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी की बुक जब आप उठाएंगे तो उसमें ये स्टोरी जो स्टार्टअप हुई है वो एक स्टोरी, मतलब ये पर्टिकुलर चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है वो एक स्टोरी से स्टार्ट हुआ. तो आइए हम पहले उस स्टोरी को पढ़ेंगे, उसके बाद एनवायरनमेंट के डिफिनेशन को, इसके फीचर्स को, इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं इससे रिलेटेड एवरीथिंग हम क्लियर करेंगे. ठीक, तो आइए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. ओके, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिएगा. ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन. ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज द गम. रवि एक लंबी छुट्टी के बाद जब वापस फिर अपने स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि उनका जो एकमात्र प्लेग्राउंड था अब वो भी खोद दिया गया. पीपुल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हियर. लोग कहते हैं कि यहाँ पे अब बहुत सारी बिल्डिंगें बनने वाली हैं, फ्लैट्स बनने वाले हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने वाली हैं. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्ले ग्राउंड विद इट सॉफ्ट ग्रास मैरी गोल्ड एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर. ठीक, रवि जब ये सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है क्योंकि एकमात्र यही ग्राउंड था जहाँ पे वो लोग खेला करते थे, अब उस ग्राउंड पे भी बहुत सारे बिल्डिंग्स बनने वाले हैं, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा वो सैड होता है. इनफैक्ट इतना ज़्यादा कि वो रोने लगता है क्योंकि वो एक ऐसा ग्राउंड था जहाँ पे बहुत सारे फूलों के पेड़ थे, बटरफ्लाइज आती थी, वहाँ की ग्रासेस बहुत सॉफ्ट थी, वो लोग वहाँ पे बहुत इन्जॉय करते थे इनफैक्ट, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी था इस बात को लेकर. ओके, आगे ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट इन द असेंबली. द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड शी हाउ एवर आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग. इस बात को वो जब अपने स्कूल पहुँचता है तो अपने दोस्तों से बताता है, अपने क्लासमेट से वो ये सारी बातें शेयर करता है. इसके बाद उस दिन असेंबली में भी उनका प्रिंसिपल उन सभी को क्या कहते हैं एक जानकारी देता है, एक इन्फॉर्मेशन देता है, और इन्फॉर्मेशन रहती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि किस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है. ओके, आगे इन द क्लास रवि आज दिस टीचर व्हाट इज इन्वायरमेंट. और क्लास में रवि यही क्वेश्चन पुटअप करता है अपने टीचर से कि सर इन्वायरमेंट क्या होता है, मुझे इन्वायरमेंट बताइए. तो टीचर रिप्लाई देता है व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर. टीचर कहता है कि जो भी तुम अपने आसपास देख रहे हो वो सारी चीज़ें क्या है, हमारा इन्वायरमेंट. तो आई थिंक ये जो एग्जैक्ट डिफिनेशन थी इन्वायरमेंट में कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि आप अगर पूछेंगे अपने टीचर से तो सर इन्वायरमेंट क्या है, तो वो भी कह देगा कि आपके आसपास जितनी भी जो चीज़ें मौजूद हैं वो सभी आपके किस में आती हैं, इन्वायरमेंट पे. ठीक, इन्वायरमेंट की मीनिंग अगर हम जाने तो इसे कहते हैं वातावरण या पर्यावरण. ठीक, आगे चलते हैं. रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग टेबल्स चेयर्स इन द क्लासरूम इवन दैट ओपन फील्ड द रोड द गार्बेज माय फ्रेंड All are part of our environment. Teacher say yes. Teacher कहता है हाँ ये सारी चीज़ें हमारे environment का हिस्सा हैं, लेकिन इनमें भी दो प्रकार के environment होते हैं, एक जो आपके nature ने create किया, एक जो आपके people द्वारा create है. For example, mountains, rivers, trees and animals are created by our nature and roads, cars, clothes and books are created by people. ठीक, तो I think आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है, let मी क्लियर. ओके, देखिए हम लोग आगे चलते हैं, बहुत और भी अच्छी तरीके से इसे क्लियर करता हूँ. ठीक, नाउ वर्क इन पेयर मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सेटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स. ये कह रहा है कि एक लिस्ट प्रिपेयर करिए, आप सभी प्रिपेयर करिएगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या इसे सुन रहे हैं. ठीक है, आप सभी अगर क्लास 7 के स्टूडेंट तो प्लीज़ एक लिस्ट प्रिपेयर करिएगा, आप जहाँ पर भी बैठे हैं अपने आसपास में देखिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर द्वारा बनाई गई हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पीपल्स द्वारा बनाई गई हैं. तो एक नेचुरल इन्वायरमेंट का आप बनाएंगे कॉलम, एक बनाएंगे आप ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का कॉलम. ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के कॉलम में उन सभी चीज़ों को मेंशन करेंगे जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, और नेचुरल इन्वायरमेंट के कॉलम में आप उन सभी चीज़ों को मेंशन करेंगे जो नेचर के द्वारा क्रिएट था. ठीक, तो आई थिंक यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी. अब देखिए हम चलते हैं बगल में, ये कुछ दिया गया है एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, इसे कवर करते हैं. एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक सपोर्ट सिस्टम, इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक,
द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। तो ये बहुत ही अच्छी और एग्जैक्ट डेफिनेशन है एनवायरनमेंट की, और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस तरीके से समझना तो आप कह दीजिएगा कि हमारे आसपास में जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो सब हमारा एनवायरनमेंट होती हैं। एक और चीज़ आपको बता दूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम किसी जगह पर रहने लगते हैं तो हम उस जगह को अपने हिसाब से बना लेते हैं, अपने आप को उस जगह में ढाल लेते हैं और उस जगह को अपने हिसाब से बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए आगे। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उस लिस्ट को बनाने के लिए, जिस लिस्ट की अभी हमने बात की। आगे, वाई इज़ आवर एनवायरमेंट चेंजिंग। कोई एक बच्चा उसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इकबाल क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारा एनवायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग, द टीचर रिप्लाइड। इकबाल क्वेश्चन पूछता है कि सर हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है, तो टीचर जवाब देता है कि हमारा एनवायरनमेंट इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि हमारी ज़रूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, तो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। और जब इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करेंगे, इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे, तो वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, जाहिर सी बात है वो डिस्ट्रॉय होगा। और अगर हमारा इन्वायरमेंट यूं ही चेंज होता रहा तो उसके चेंज होने से सभी पे, जितने भी लिविंग बींग्स हैं नॉन लिविंग बींग्स, सभी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखिए इस फिगर में हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके, नेचुरल इन्वायरमेंट में चार हैं, लिथोस्फियर मीन्स लैंड, एटमॉस्फियर मीन्स एयर, हाइड्रोस्फियर मीन्स वाटर एंड बायोस्फियर मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, और कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के सेकंड जो आपका है वो है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में हर वो चीज़ आती है जो इंसानों द्वारा बनाई गई है, लाइक ब्रिज, पार्क, बिल्डिंग, रोड्स एक्सेट्रा। और ह्यूमन एनवायरनमेंट्स में आपके इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट थे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि लेट मी नो हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, देन यू ऑल टेल हिम और हर देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ओके, तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। आई होप आपको एनवायरनमेंट की डिफिनेशन भी पता लग गया कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट मतलब हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब क्या है, हमारी एनवायरनमेंट है। और हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो नेचुरल्स भी होती हैं और ह्यूमन मेड भी होती हैं। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन्हीं दोनों फेनोमेनन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, आगे चलते हैं। फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। सो एवरीवन प्लीज लर्न इट और राइट डाउन इन योर कॉपी। ओके, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है आपके एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट होता क्या है, तो एक ऐसी जगह जहाँ पे आप रहने लगते हैं उसके आसपास में जो भी चीज़ें होती हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप रहने लगते हैं उसके आसपास में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब आपका क्या होते हैं, एनवायरनमेंट। दैट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, सो एवरीवन प्लीज लर्न इट। देखिए, द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ओके, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेनन। ठीक, देखिए दोनों चीज़ों से, नेचुरल से भी और ह्यूमन मेड, दोनों के दोनों कंपोनेंट से मिलकर आपका बना होता है आपका एनवायरनमेंट। जाहिर सी बात है, आप देखिए कहीं पे भी आप रह रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको सभी चीज़ें नेचुरल ही दिखती हो या सभी चीज़ें ह्यूमन मेड ही दिखती हो, दोनों दिखती हैं। तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो दोनों के दोनों कंपोनेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बायोटिक और एबायोटिक पे, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। तो बहुत ईजी है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोटिक एंड द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एबायोटिक। ठीक, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे मतलब लोग रहते हैं, जो सांस लेते हैं, जो जीवित हैं, वो आपके बायोटिक हो जाएगा। और एक ऐसी दुनिया जहाँ पे जो भी लोग हैं या जो भी चीज़ें हैं उसमें कोई भी रेस्पिरेशन प्रोसेस जैसे चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, उसमें कोई भी लाइफ नहीं है, तो आपका एबायोटिक होगा। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये था आपका क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट वन। जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स इस चैप्टर के बचे हैं वो हम पार्ट टू में कवर करेंगे। और आप सभी को अगर वाकई में
ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी क्लास 7 के स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।